75 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। एक सीधा एक उल्टा करके बॉर्डर बिन लूंगी। एक सीधा बिन लिया, एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। दूसरी लाइन में सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। इसी तरीके से हम पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। बॉर्डर हमारा पूरा हो गया है। अब हम एक लाइन उल्टी और एक लाइन सीधी करके इसे पूरा आस्तीन की छांट निकालने तक बिन लेंगे सीधा सीधा। ये ऊन हमारा कलरफुल है, इसमें कोई भी डिजाइन दिख नहीं सकता है, इस वजह से हम इसे सीधे सीधे ऊपर को बिन लेंगे। ये लाइन हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे, फिर अगली लाइन जब यहाँ से बिनेंगे तो इसे सीधी बिन लेंगे। ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। इसी तरीके से हम ऊपर को इसे बिनते हुए जाएंगे। ये उल्टी लाइन हमारी पूरी हो गई है, अब सीधी लाइन बिन लेंगे। तरीके से एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करके इसे हम बिन लेंगे। हमारी अब इसकी लंबाई पूरी हो गई। आप अपने बच्चे के अनुसार इसे बड़ा भी बना सकते हैं और इसे छोटा भी बना सकते हैं। अब आस्तीन की छांट निकाल लेंगे, दो का एक करेंगे, दो फंदे हैं, दो का एक कर लेंगे, फिर ये फंदे को इसमें डालेंगे, फिर दो का एक कर लेंगे, फिर इस फंदे को इसमें डालेंगे, दो का एक कर लेंगे, फिर इस फंदे को इसमें डाल के दो का एक कर लेंगे, यानी कि चार फंदे हमने यहाँ पर कम कर लिए, चार फंदे, बाकी इसे सीधे पूरी सिलाई बिन लेंगे। ये लाइन पूरी हो गई है। जिस तरीके से हमने इधर से करा उसी तरीके से इधर से भी चार फंदे कम कर लेंगे। दो फंदे हैं, दो का एक कर लिया है, फिर ये फंदे को इसमें डालेंगे, फिर दो का एक कर लेंगे, फिर इस फंदे को इसमें डाल के इसी तरीके से चार बार करेंगे, चार फंदे कम हो गए, बाकी पूरी लाइन हम सीधे सीधे बिन लेंगे। लाइन हमारी ये पूरी हो गई है। ये हम गोल गला बनाएंगे इसका, यानी कि हाई नेक का गला। तो इसका गला बनाने के लिए हम अब यहां से तीन फंदे कम नहीं करेंगे, सिर्फ एक फंदा कम करेंगे। एक फंदा यहां से कम करेंगे, दो का एक कर लिया है, बाकी पूरी लाइन बिन लेंगे। लाइन पूरी हो गई है। अब एक फंदा हम जिस तरीके से हमने इधर से किया एक फंदा कम, तो एक इधर से भी करेंगे, दो का एक कर लेंगे। अब इसी तरीके से हर एक लाइन में एक फंदा यहाँ से और एक फंदा इधर से कम करते हुए जाएंगे, यानी कि दो का एक करेंगे शुरू में यहाँ से, दो का एक शुरू में यहाँ से करेंगे। इसी तरीके से हम 6 साढ़े 6 इंची से ऊपर को बिन लेंगे। स्वेटर का पार्ट हमारा पूरा हो गया है।
चार चार फंदे हमने इधर से और इधर से कम किए थे, और बाकी एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से कम करते हुए हमने 6.5 इंच ये बना दिया है। अब इसमें सिर्फ 25 फंदे बचे हैं, ये पूरा हो गया है। सेम इसी तरीके से हमने अपना दूसरा पार्ट भी बना दिया है, पिछला पार्ट। दोनों पार्ट एक जैसे, दोनों पार्ट हो गए। आस्तीन में हमने 45 फंदे डाले हैं। आस्तीन को भी पार्ट की तरह ही एक सीधा एक उल्टा करके बिन लेंगे। सीधा बिन लिया, ये उल्टा बिन लिया, एक सीधा बिन लिया, एक उल्टा बिन लिया। इसी तरीके से पूरी लाइन बिन लेंगे। दूसरी लाइन में जो उल्टा था उसके ऊपर उल्टा और जो सीधा था उसके ऊपर सीधा। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। जितना हमने पार्ट में बुना हुआ है उतना ही आस्तीन में भी बिन लेंगे। आस्तीन का बॉर्डर हमारा पूरा हो गया है। अब दो लाइन हम बिन लेंगे, दो लाइन सीधे सीधे बिनेंगे। एक ये सीधी लाइन बिन लेंगे, एक उधर से उल्टी लाइन बिन लेंगे। दो लाइन बिन लिया है, तीसरी लाइन में हम एक फंदा बिन लेंगे, दूसरे फंदे में एक फंदा नीचे से लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ले रही हूँ, एक फंदा यहाँ पर हमारा बढ़ गया है। अब इस फंदे को भी ले लिया है, बाकी पूरी लाइन हम बिन लेंगे। लाइन हमारी पूरी हो गई है। अब एक फंदा बिनेंगे, एक फंदा यहाँ से भी नीचे से ले लेंगे। इस तरीके से ले रही हूँ, एक फंदा बढ़ गया है। अब हम तीन लाइन या चार लाइन सीधे सीधे बिन लेंगे। तीन चार लाइन बिनने के बाद फिर इसी तरीके से जिस तरीके से हमने अभी बढ़ाया, एक फंदा यहाँ से और एक फंदा इधर से, दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ा लेंगे, दो या तीन अपने बच्चे के अनुसार, उसके हाथ के अनुसार हम फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे। आस्तीन हमारा इतना हो चुका है। हर तीसरी सिलाई में एक फंदा यहाँ से बढ़ा रहे हैं और एक फंदा इधर से बढ़ा रहे हैं। फंदा नीचे से ले रहे हैं, एक फंदा बुन लिया दूसरे फंदे के नीचे से इस तरीके से। बाकी पूरी लाइन सीधी सीधी बिन लेनी है। लाइन पूरी हो गई है, एक फंदा इधर से बढ़ा लेंगे। एक फंदा बिन लिया, दूसरे फंदे के नीचे से ले रही हूँ इस तरीके से। बाकी पूरी सिलाई सीधे सीधे बिन लेंगे। अब तीन सिलाई हम सीधे सीधे बिनेंगे, चौथी सिलाई में फिर एक इधर से और एक इधर से फंदा बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। आस्तीन हमारा पूरा हो गया है। नीचे हमने 45 फंदे डाले थे,
अब हमारे इसमें 70 फंदे हो गए हैं। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, इससे छोटा भी बना सकते हैं। जिस तरीके से हमने पार्ट में 4 फंदे यहाँ से कम किए थे, उसी तरीके से आस्तीन में भी करेंगे। 2 फंदे ले रखे हैं, 2 का 1 कर लिया, फिर ये फंदे को इसमें डालेंगे, फिर 2 का 1 कर लिया, फिर ये फंदे को इसमें डालेंगे, फिर 2 का 1, फिर इस फंदे को इसमें डालेंगे, फिर 2 का 1, 4 बार करेंगे, यानी कि 4 फंदे हमने ये कम कर दिए। बाकी पूरी लाइन सीधे सीधे बीन लेंगे। लाइन हमारी पूरी हो गई है। जिस तरीके से इधर से हमने 4 फंदे कम किए हैं, इसी तरीके से यहाँ से भी करेंगे। 2 का 1 कर लेंगे, फिर इस फंदे को इसमें डालेंगे, फिर 2 का 1, फिर इस फंदे को डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, इसी तरीके से 4 बार करेंगे। 4 फंदे हमारे यहाँ से बंद हो गए। बाकी पूरी सिलाई सीधे सीधे बीन लेंगे। अब एक फंदा यहाँ से कम करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लिया है। बाकी लाइन सीधे सीधे बीन लेंगे। फिर एक फंदा इधर से, जब इधर आएंगे एक फंदा यहाँ से कम करेंगे, अगली लाइन में फिर एक फंदा यहाँ से, फिर एक यहाँ से करके ऊपर को एक एक फंदा कम करते हुए जाएंगे और ऊपर को 6.5 इंच बीन लेंगे। अब हमारा ये 6.5 इंच हमने बीन लिया है। अब इसमें 20 फंदे बचे हैं। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा भी बना लिया है। अब इन चारों को हम जोड़ देंगे। सबसे पहले आस्तीन को जोड़ेंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके इसी तरीके से इसे पूरा बीन लेंगे। अब इसके साथ अगला पार्ट जोड़ेंगे। अगले पार्ट में से भी एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इसी तरीके से इसे भी हम सारा बुन लेंगे। फिर तीसरे नंबर पे फिर आस्तीन जोड़ेंगे। पहले भी आस्तीन जोड़ा, फिर दूसरे में पार्ट, तीसरे में फिर आस्तीन जोड़ लेंगे। इसे भी उसी तरीके से एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इसी तरीके से इसे भी पूरा बीन लेंगे। फिर चौथे नंबर पर फिर दूसरा पार्ट लगा देंगे।
इसको भी उसी तरीके से बिनेंगे, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इसी तरीके से इसे भी पूरा हम बिन लेंगे। अब इन चारों को साथ जोड़ लिया है, अब इसे गोलाई में ले लेंगे। इसकी पूरी गोलाई ले लेंगे और बिनेंगे इसी तरीके से, एक उल्टा एक सीधा। चारों हमने ये साथ ले लिए हैं, अब इसे गोलाई में ले लेंगे। आप दो सिलाई से भी इसे बीन सकते हैं, गले बनाने वाली चार सिलाई से भी बीन सकते हैं, और एक गले की दूसरी आती है गोलाई वाली, उससे भी बीन सकते हैं। बुनना इसी तरीके से है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। चारों पार्टों को अब साथ बिन लेंगे। बिनेंगे एक सीधा एक उल्टा करके ही पूरी गोलाई ले लेंगे। इसी तरीके से इसे ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। लगभग 5 इंच हमें ये बिन लेना है। बहुत आसान तरीका है। इसी तरीके से हम इसे पूरी गोलाई ले लेंगे। इसमें हमने बिनाई नहीं डाल रखी है, आप बिनाई भी डाल सकते हैं, दो ऊनों से भी बिन सकते हैं। इतना हमने ये बिन लिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। ध्यान रखना है सीधे के ऊपर सीधा ही बिनना है और उल्टे के ऊपर उल्टा ही बिनना है। इतना हमारा है, हो चुका है। अब हमारा ये पूरा हो गया है, इसे हम बंद कर देंगे। दो फंदों का एक कर लिया, इस फंदे को फिर इसमें डालेंगे, धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। फिर ये दो का एक कर लिया है, फिर धागे को आगे करेंगे, फिर ये फंदे को इसमें डालेंगे, फिर दो का एक कर लेंगे, फिर फंदे को इसमें डालेंगे,
फिर 2 का 1 कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, फंदे को इसमें डालेंगे, फिर 2 का 1 कर लेंगे। जिस तरीके से बिना है एक सीधा एक उल्टा करके, उसी तरीके से फंदे बंद भी करेंगे, एक सीधा एक उल्टा करके धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। अभी हमने आगे किया है, 2 का 1 कर लिया है, धागे को पीछे करेंगे, फिर ये फंदे को इसमें डाल के फिर पीछे को लेंगे सीधी साइड, फिर 2 का 1 कर लिया है। 5 इंच गला बना रखा है, आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं और इससे छोटा भी बना सकते हैं। अब इनको जोड़ने के लिए अगला पार्ट और पिछले पार्ट को पहले हम जोड़ लेंगे। एक पिछला पार्ट है, एक अगला पार्ट, 2 पार्टों को हम जोड़ लेंगे। ये आस्तीन है और इधर भी आस्तीन है, ये बीच में 2 पार्ट हैं। इसे आगे पीछे कहीं से भी पहन सकते हैं, दोनों पार्ट एक जैसे हैं। अब इसे हम सिल देंगे। इस तरीके से 2 पार्टों को जोड़ लेंगे। आप किसी भी तरीके से सिल सकते हैं, उल्टी साइड से भी सिल सकते हैं, सीधी साइड से भी सिल सकते हैं। सीधी साइड से पीछे को सुई करके सिलना पड़ता है, अभी हम उल्टी साइड से सिल रहे हैं। आपको जिस तरीके से सुविधा हो आप उस तरीके से इसे सिल सकते हैं। दोनों पार्ट हमने जोड़ लिए हैं। फिर इधर साइड से सिलेंगे, फिर पूरे नीचे से ऊपर को आस्तीन को सिल लेंगे। अब हमने पूरा सिल दिया है, हमारी स्वेटर तैयार हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।